गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस स्टार्ट किया था, जिसमें दो लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। उसमें हम लोग फार्मूला के बारे में डिस्कस कर चुके थे और डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था। अब हम लोग का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है चेन रूल। दो रूल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। पहला लेक्चर में हम लोग सबसे पहले फार्मूला के बारे में डिस्कशन किए थे और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि डिफरेंशिएशन को कहाँ कहाँ सेपरेशन किया जा सकता है, प्लस में माइनस में, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेपरेट नहीं किया जा सकता है ना। तो गाइस, आज हम लोग रूल के बारे में स्टार्ट कर चुके थे पिछले लेक्चर में, जिसमें कि हम लोगों का दो रूल कंप्लीट हो चुका था, है ना। क्या पढ़ा था रूल में? सबसे पहला रूल तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल, जो कि हम लोगों का कंप्लीट था। फिर दूसरा था क्वेशेंट रूल। फिर अभी थर्ड जो हम लोग अभी आज का लेक्चर में जो लेने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है चेन रूल। ये आना बहुत ज़रूरी है ना। तो हम लोग प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल के बारे में डिस्कस कर चुके थे और बताया भी था मैंने कि फार्मूला को याद रखना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, वरना क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं बनने वाले। तो क्वेश्चन बनाने के लिए एक तो डिफरेंशिएशन का फुल जो फार्मूला था, जो लिखवाया था मैंने, वो याद करना है। और भी फार्मूला है लेकिन हम लोग बाद में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जितना लिखाया है उतना अभी काफ़ी है, याद करना कंपलसरी है। तो प्रोडक्ट रूल में मैंने क्या बताया था कि प्रोडक्ट रूल नाम से जैसे पता चल रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है, किसी के भी रिस्पेक्ट में दिया जा सकता है। यहाँ पर दो फंक्शन कैसा रहेगा? मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। और इसमें फायदा वाला बात ये था कि हम लोग इसमें किसी को भी यू और किसी को भी वी मान सकते हैं। फार्मूला क्या था इसका? यू को छोड़ो वी का डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, प्लस वी को छोड़ो यू का डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, ठीक है। तो ये फार्मूला उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद हो गया होगा। एंड क्वेश्चन रूल में क्या बताया था मैंने कि इसमें भी नाम से पता चल रहा है ना, क्वेश्चन इट मीन्स डिवीजन रूल, इट मीन्स दो फंक्शन जो होगा यहाँ पर कैसा रहेगा हमारा, डिवाइड में रहेगा और किसी के भी रिस्पेक्ट में हम लोगों का डिफरेंशिएशन बनाने बोल दिया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था? वी को छोड़ो यू का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ यू को छोड़ो वी का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाला का होल स्क्वायर, इट मीन्स वी का स्क्वायर। इसमें दिक्कत क्या है कि हम लोग यू और वी किसी को भी नहीं मान सकते हैं अपनी मर्जी से। इसमें हमेशा फिक्स होता है कि न्यूमरेटर में हम लोग यू मानेंगे और डेनोमिनेटर वाले वैल्यू को क्या मानेंगे? वी, है ना। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा और फार्मूला तो याद करना पड़ेगा ही आप लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे आज चेन रूल। तो हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन में आएंगे तब प्रोडक्ट भी यूज़ हो जाएगा, क्वेश्चन भी यूज हो जाएगा और चेन रूल भी यूज़ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला सब कैसे यूज़ होता है हम लोग उस टाइम देख लेंगे। हालांकि पिछले लेक्चर में एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है चेन रूल। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेन रूल। ये चेन रूल क्या बोलता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि चेन है ना, इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि बहुत सारा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंशिएशन में चेन में शो करना पड़ेगा, है ना। चेन क्या होता है? बहुत ही छोटा छोटा कण से बना हुआ होता है ना चेन, चेन इस टाइप में देखेंगे आप लोग। तो चेन इट मीन्स कड़ी जुड़ा हुआ है। तो जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म से क्या करेंगे उसको चेन में दिखाएंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। अब हम लोग इसको बहुत ही ईजी वे में समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर हम लोग इसको मुंहजबानी भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेन रूल के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं अच्छे से। तो चेन रूल जो होता है ना वो एक तरह का डिफरेंशिएशन का एक रूल है, जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो चेन रूल को हम लोग पढ़ने के लिए सपोज दैट कि यहाँ पर ना बहुत सारा वॉल है, क्या है? वॉल, दीवार, ठीक है। ये बहुत सारा वॉल है और यहाँ पर ना एक इंसान है, एक गधेड़ा बैठा हुआ है यहाँ पर, और बहुत सारा वॉल है, दिख रहा है कि पांच वॉल है यहाँ पर, और यहाँ पर एक राइफल है, ठीक है। इस राइफल से ना इस गधेड़ा को क्या करना है? निशाना लगाना है। तो निशाना लगाने के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहले देखिए, और एक कंडीशन है यहाँ पर कि ये वॉल है, तो आप लोग सोचोगे कि वॉल है तो इस इंसान को हम लोग देख कैसे पाएंगे? तो निशाना तो लग ही नहीं सकता इस गधेड़े पे, लग सकता है। ये जितने सारे वॉल है ना वो लेंस का है, क्या है? लेंस, ग्लास है। तो आर पार हम लोग देख सकते हैं, ओपेक नहीं है, है ना। ये हम लोग आर पार इसका दिख सकता है कि ये गधेड़ा दिख रहा है हम लोग। तो इसको हम लोगों को क्या करना है? निशाना लगाना है। लेकिन कंडीशन ये है कि निशाना हमेशा इसको टारगेट कर रहे हैं हम लोग, मेन टारगेट हम लोगों का कौन है? ये। तो चेन रूल ये बोलता है
कि हमेशा जो डिफरेंशिएट होता है ना वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में होता है, विथ रिस्पेक्ट टू डोमेन। ठीक है, चेन रूल ऑलवेज जो है डिफरेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू डोमेन, डोमेन के रिस्पेक्ट में होता है। अब डोमेन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये आप लोगों को अकल होना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई फंक्शन लिखते हैं जैसे fx, तो ये है हमारा फंक्शन और ये है डोमेन। जैसे से बात करें साइन एक्स, तो साइन है हमारा फंक्शन और एक्स है उसका डोमेन, है ना। सपोज दैट कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन है मेरा स्क्वायर और डोमेन कौन है एक्स। पावर अगर किसी का एक्स का पावर 5, तो 5 है आपका क्या है फंक्शन और डोमेन कौन है एक्स, है ना। जितना भी है कॉट एक्स लॉग एक्स, तो लॉग हमारा हो गया फंक्शन और एक्स मेरा क्या हो गया डोमेन हो गया। तो हमेशा जो डिफरेंशिएट होता है वो डोमेन के रिस्पेक्ट में होता है। तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो अभी हम लोग ये एग्जांपल के थ्रू अभी हम लोग समझते हैं। और फंक्शन और डोमेन तो ये मेरा काम नहीं है, ये 11th में पढ़ाया जाता है, हम लोग तो क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट किए हैं। सॉरी, गधेड़ा को तो मैंने मिटा ही दिया, इसी गधेड़ा को तो निशाना लगाना है। तो इस गधेड़ा को निशाना लगाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए बुलेट जैसे ही निकलेगा तो पहले वाला वॉल को हिट करेगा, है ना। तो पहला वाला वॉल को जिसको हिट करेगा ना वो फंक्शन का काम करेगा, क्या करेगा, जिसको हिट करेगा ये बुलेट वो फंक्शन बन जाएगा, बाकी जितना बच गए हैं वो हमारा डोमेन का काम करेगा, है ना। देखिए जैसे ही बुलेट निकला तो पहला वाला वॉल को ये हिट किया, हिट करने के बाद ये तो हमारा बन गया फंक्शन, दिख रहा है। अब जो गधेड़ा के साथ साथ जो चार दीवार जो बचा हुआ है वो सब क्या है डोमेन, है ना। तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो गया, अब फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा इन सभी के रिस्पेक्ट में होगा, इट मीन्स इनके अंदर जितने भी डोमेन है उसके रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। अब जैसे ही ये बुलेट दूसरे वाला वॉल को टारगेट करेगा, अब मेरा फंक्शन कौन काम करेगा, जो हिट किया उसको, तो ये फंक्शन बन जाएगा उस टाइम, है ना। अब गधेड़ा के साथ साथ ये तीन वॉल और बच गए हैं, तो ये सब मेरा क्या बन जाएगा डोमेन, है ना। फिर अगला जैसे ही हिट करेगा अगला वाला वॉल को, तो फिर अब ये फंक्शन का काम ये वाला वॉल करेगा। अब आगे जो बच गया है एक गधेड़ा और दो वॉल, ये डोमेन का काम करेगा, है ना। फिर जैसे ही ये आगे हिट करेगा अगले वाला वॉल को, तो ये फंक्शन का काम करेगा इस बार। अब डोमेन कौन काम करेगा बताइए, ये गधेड़ा और एक वॉल। फिर जैसे ही अगला वाला वॉल को हिट करेगा, अब मेरा फंक्शन ये वाला वॉल काम करेगा और डोमेन कौन हो गया ये गधेड़ा से, है ना। अब हम लोग एक गधेड़ा का बहुत ही करीब है, अब हम लोग इसको हिट कर सकते हैं, यू गया ये बुलेट इसको, है ना, हेड शॉट। अब ये इसका कहानी खत्म हो गया, अब मेरा ये डोमेन हो चुका है ना, अभी जो टारगेट था मेरा, अब क्या हो गया हम लोगों का चेन रूल यहाँ पर समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। तो अभी हम लोग ये कहानी के थ्रू समझे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्या क्या बता दिया, क्या क्या बग दिया, फंक्शन डोमेन कुछ समझ में नहीं आया, कुछ तो पल्ले ही नहीं पड़ा, तो देखते हैं क्या है ये। तो सपोज दैट हम लोग लंबा सा क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे सपोज दैट बोल दिया गया है कि डिफ्रेंशिएशन करना है, देखिए डिफ्रेंशिएशन करना है लॉग साइन टेन e टू द पावर x, दिख रहा है। अभी हमारा जो फंक्शन है वो देखिए लॉग है, अब जो बच गया जितना, अभी हमने क्या बताया था कि दो वाले सपोज दैट कि एक गधेड़ा है यहाँ पर, अभी हम लोग इसको हिट कर रहे थे, तो हिट करने के बाद जो बन रहा था वॉल ये हमारा फंक्शन का काम करेगा, जितना बाकी जो बच जाता है वो क्या हो जाता है डोमेन बच जाता है। तो हमेशा चेन रूल किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, ओनली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डोमेन, है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डोमेन। अब जैसे ही अगला वाला वॉल में जाएगा तो ये गधेड़ा बन जाएगा इस बार डोमेन, अब जैसे ही इसके बहुत करीब है ना, तो अब डोमेन कोड आ चुके होंगे, तो अब मेरा चेन रूल क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी जो है डिफरेंशिएशन यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में बोला गया है, लेकिन डायरेक्टली वो एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे के रिस्पेक्ट में दिखा दिया गया है, अभी हम लोग इसको चेन में कैसे दिखाएंगे देखते हैं। देखिए होगा क्या इसमें, जैसे सपोज दैट अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन टेन ई टू द पावर एक्स। अभी देखिए अभी जो डिफरेंशिएशन है, पहले वाला वॉल को हिट करेगा, मेरा मेन टारगेट कौन है इसमें गधेड़ा कौन है ई टू द पावर एक्स, है ना। अभी गधेड़ा कौन है ई टू द पावर एक्स, मेन टारगेट मेरा इसमें है ना। तो अभी पहला वाला वॉल को हिट करेगा, फिर इसको फिर तब वहां तक पहुंचेंगे ना। तो क्या बताया था, अभी फंक्शन कौन काम करेगा लॉग, पहला वाला वॉल ना। अब जो क्या बताया, डिफरेंशिएट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है डोमेन के रिस्पेक्ट, तो डोमेन कौन काम करता है बताया था ना, जिसको हिट करता है वो तो फंक्शन, जितना बाकी सारे बच गए वो सारे कौन हो जाएंगे डोमेन हो जाएंगे, होगा कि नहीं होगा,
ये अभी अब मैंने समझाया आप लोगों को। तो देखिए अभी फंक्शन का काम करेगा लॉग, अभी डोमेन कौन बन जाएगा जो पूरे बच चुके हैं, साइन टेन ई टू द पावर एक्स, साइन टेन ई टू द पावर एक्स, ये मेरा कौन काम करेगा डोमेन। अब देखिए ये हमने फिजूल में अपने से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड किया है, तो कोई भी नंबर को अगर हम लोग सपोज दैट कि कोई क्वेश्चन दे दिया गया फोर, और अगर हम लोग इसमें अपने से डिवाइड दे दे टू, तो हमारा तो आंसर आएगा टू। तो क्वेश्चन को तो हम लोग पूरी तरह से बदल चुके हैं, तो जितना से डिवाइड करते हैं उतना से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो फोर के बैलेंस होगा ना, हम लोग को चेंज भी नहीं करना है। तो ये तो हम लोग फिजूल में खुद से डिवाइड किए हैं, तो इतना से हम लोगों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डी साइन टेन ई टू द पावर एक्स, दिख रहा है। अब देखिए अब डिफ्रेंशिएशन किसका हो रहा है, साइन का ना, अब बुलेट किस में लगने वाला है, ये वाला वॉल में, अब गधेड़ा और ये टेन क्या बन जाएगा डोमेन। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन ई टू द पावर एक्स, अब फिर हम लोगों ने देखिए फिजूल में खुद से मल्टीप्लाई किया है सॉरी डिवाइड किया है, तो अभी इसको बैलेंस करने के लिए खुद से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ कर रहा हूँ डी टेन ए टू द पावर एक्स। अब देखिए अब बुलेट किसको लगने वाला है, बुलेट मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन यहाँ बुलेट नहीं डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो आप लोग गलत वर्ड यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इस बार किसका, टेन का। अब फंक्शन तो टेन बन गया, डोमेन का काम कौन करेगा, ए टू द पावर एक्स। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, ए टू द पावर एक्स, क्योंकि चेन रूल यही बोलता है कि हमेशा जो डिफरेंशियल होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, डोमेन के रिस्पेक्ट में होता है। देखिए ये भी मैंने फिजूल में डिवाइड किया है ना, यहाँ पर सिर्फ तो dx था ना, तो डिवाइड किया हो तो बैलेंस करने के लिए इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए फंक्शन कौन बन गया, e, अब x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ना, देखिए गधेड़ा तक हम लोगों ने पहुंच चुका हूँ, अब हम लोगों को आगे चेंज दिखाने की जरूरत नहीं, तो यहाँ तक तो हो गया। इसी तरह से हम लोग चेन में हम लोग हमेशा दिखाते हैं, दिख रहा है आप लोगों को, देखिए अभी भी dx जो था ना, अभी मेरा फंक्शन क्वेश्चन में कौन सा दिया हुआ था, सिर्फ ये वाला दिया हुआ था और ये dx दिया था। देखिए हम लोग ये सब अपने से बीच में किया ना, d sin tan x, देखिए ये बैलेंस हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई कट जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan e to the power x, और देखिए ये मल्टीप्लाई डिवाइड में कट जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये भी कट जाएगा। कुल मिलाकर के हम लोग इसको क्या किए हैं, सिर्फ चेन में शो किए हैं। तो चेन रूल बहुत ही ईजी है, अभी हम लोग इसका क्वेश्चन भी करेंगे। तो चेन रूल आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि अच्छा से समझ में आ चुका होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। अभी एक दो क्वेश्चन और हम लोग रिवाइज करते हैं और देखते हैं ये चेन रूल क्या बोलता है। अभी आप लोगों को तो चुटकी में बन जाना चाहिए सर, देखता हूँ अभी मुँह जबानी भी सॉल्व करने सिखाऊंगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं दे दूँ, बताइए डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन टेन लॉग ए टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अभी मेरा इसको चेन में दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि फंक्शन ये है, फिर डोमेन के रिस्पेक्ट में पूरा हो जाएगा, फिर फंक्शन ये बनेगा, फिर पूरा डोमेन के रिस्पेक्ट में ये होगा, फिर फंक्शन लॉग बनेगा, फिर डोमेन के रिस्पेक्ट में पूरा होगा, फिर जब तक ये गधेड़ा पास पहुंच जाऊंगा, इट मीन्स जो मेरा टारगेट पॉइंट है, फिर फाइनली डी एक्स के रिस्पेक्ट में लिख दिया जाएगा, है ना। कितना ईजी है, देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन टेन लॉग ई टू द पावर एक्स। अभी देखिए डिफ्रेंशिएशन साइन के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, फंक्शन कौन है साइन, डोमेन कौन है पूरा जो बचा हुआ है, तो टेन लॉग ई टू द पावर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, टेन लॉग ई टू द पावर एक्स, दिख रहे हैं आप लोगों को। तो जब इतना से डिवाइड किया हूँ तो इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन लॉग ई टू द पावर एक्स। अब मेरा फंक्शन कौन है टेन, डोमेन कौन है लॉग ई टू द पावर एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा लॉग ई टू द पावर एक्स। अब इतना से फिजूल में खुद से डिवाइड किया हूँ तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, लॉग ई टू द पावर एक्स। अब मेरा फंक्शन कौन है लॉग, डोमेन कौन है ई टू द पावर एक्स, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा ई टू द पावर एक्स। इतना से फिर फिजूल से डिवाइड किया हूँ मैं फिजूल, अब इतना से बैलेंस करने के लिए इतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखिए गधेड़ा तक एडमिन टारगेट पॉइंट तक हम लोग पहुंच चुके हैं, अब मेरा फंक्शन बन चुका है एक्सपोनेंट और डोमेन है एक्स, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को चेन में शो करना पड़ता है। तो गाइस बहुत ही ईजी है, आप लोग सबसे पहले मन से डर को ख़त्म कीजिए कि बहुत टफ होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत सारा जब प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग क्वेश्चन का, तो उसमें आप लोगों का सारा डर आज ख़त्म कर ही दूंगा। लगभग दो लेक्चर और अटेंड कीजिए, उसके बाद आप लोगों को डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोगों से गारंटी देता हूँ कि डर खत्म हो जाएगा और आप लोग खुद ब खुद सॉल्व करने लगेगा। अब हम लोगों का यहाँ मेन सवाल ये आता है कि यार चेन रूल तो हम लोग सीख गए, ब्रेक भी करने आ गया, लेकिन क्या सिर्फ ऐसा ही तोड़ के छोड़ देना है क्या, नहीं।
तोड़ के तो नहीं छोड़ना है, क्या हम लोग खाना बना के छोड़ देते हैं, खाते नहीं उस, तो उसको खाना भी पड़ता है और पचाना भी पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से डिफ्रेंसिएशन में भी चेन रूल में क्या करेंगे हम लोग, उसको चेन रूल में तोड़ने तो सीख गए, अब उसको डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, उसका वैल्यू कितना होगा वो लिखना पड़ेगा ना। तो अब हम लोग एक पोजिशन लेते हैं और तमीज के साथ, इज्जत के साथ उसको हम लोग इज्जत भी देंगे उसका, हर एक का इज्जत होता है अपना अपना, तो इसका भी इज्जत है, अधूरा में छोड़ दिए तो उसको बुरा लगेगा ना। तो पूरा कैसे सॉल्व किया जाता है एक मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए सपोज दैट एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, लॉग साइन ई टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का बाया हाथ का खेल बन चुका होगा कि चेन में कैसे लिखा जाता है। तो ये रहा, मैं दिखा देता हूँ फिर भी आप लोगों के लिए। देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग साइन ई टू द पावर एक्स है ना, अभी फंक्शन मेरा कौन है लॉग, डोमेन कौन है साइन ई टू द पावर एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, साइन ई टू द पावर एक्स के रिस्पेक्ट में। अब बताइए इतना से मैंने फिजूल में डिवाइड किया तो बैलेंस करने के लिए इतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ई टू द पावर एक्स, देख रहे हैं आप लोगों को। अब मेरा फंक्शन कौन बन चुका है साइन, डोमेन कौन है ई टू द पावर एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, फिर इतना से फिजूल में डिवाइड किया हूँ तो बैलेंस करने के लिए इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए फंक्शन मेरा एक्सपोनेंट बन चुका है, अब डोमेन कौन है एक्स है, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन मेरा ये था, ये और ये सब देखिए कट के कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग चेन में दिखाते हैं हर बार। अब देखिए अब जो डिफ्रेंसिएशन है वो तो आप लोग इजीली कर सकते हो, बोले इसमें तो हम लोगों को लगता नहीं है, इसका तो कोई फार्मूला पढ़े ही नहीं। देखिए हमेशा जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना वो फंक्शन का होता है, किसका होता है फंक्शन का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होता है डोमेन के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग तो डोमेन के रिस्पेक्ट में हर बार डिफ्रेंसिएशन किए हैं, लेकिन सिर्फ डिफ्रेंसिएशन किसका होता है फंक्शन के रिस्पेक्ट में। देखिए अभी यहाँ फंक्शन कौन था लॉग, तो लॉग और बाकी जो बच गया ना उसको x जैसा ट्रीट कर लीजिए, क्या मान लीजिए x, या बाकी को भूल जाइए, पहला को देखिए और उसको आप x जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए x, तो ये किसका फंक्शन है log x का, और log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 by x, लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर x नहीं लिख देना है, x का काम हमेशा नीचे वाला करेगा, कौन करेगा नीचे वाला, तो नीचे कौन है साइन ई टू द पावर x, देखिए साइन ई टू द पावर x, फिर देखिए मल्टीप्लाई है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ई टू द पावर x का है ना, तो आप लोग पूरे को भूल जाइए, पहला वाला को नजर डालिए सिर्फ फंक्शन को, फंक्शन कौन है साइन, बाकी को क्या मान लीजिए एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, है ना, लेकिन क्या एक्स लिखेंगे क्या यहाँ पर, नहीं, एक्स का काम कौन करेगा नीचे वाला, तो कॉस ई टू द पावर एक्स, फिर इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था मैंने क्या होता है ई टू द पावर एक्स ही होता है, लेकिन क्या इस बार एक्स लिख दूं, हाँ क्यों, क्योंकि नीचे क्या है एक्स ही तो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और नहीं समझ में आ रहा है तो आगे लेक्चर अटेंड करते रहिए, समझ में आ जाएगा, और अगर बावजूद भी आप लोगों को प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, ताकि चेन रूल से जितने भी डर है वो खत्म हो जाए। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे हम लोग, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस फाइव विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करने बोल दिया जाएगा, तो देखिए कितना इजी है, सबसे पहले चेन में दिखाएंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस फाइव, अभी देखिए फंक्शन कौन है साइन, डोमेन कौन है एक्स प्लस फाइव, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा एक्स प्लस फाइव, डोमेन के रिस्पेक्ट में होता है ना, तो इतना से डिवाइड, तो हम लोग इतना से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, क्यों बैलेंस करने के लिए। अब देखिए फंक्शन को है क्या और डोमेन है नहीं, है ना, हम लोग का टारगेट पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, तो फाइनली क्या हो जाएगा डी एक्स। अब डिफरेंशिएशन करना कितना ईजी है, साइन का हो रहा है फंक्शन का, तो साइन एक्स पूरा क्रिएट कर लीजिए ना, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, एक्स का काम कौन करेगा नीचे वाला, कौन है नीचे एक्स प्लस फाइव, इंटू एक्स का कितना होता है, क्या बताया था डिफरेंशिएशन में रूल में, सॉरी प्रॉपर्टीज में, कि प्लस में क्या होता है डिफरेंशिएशन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो डायरेक्टली डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा वन, है ना, प्लस फाइव का कॉन्स्टेंट है ना तो जीरो हो जाएगा ना, तो वन प्लस जीरो तो वन ही होने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटू वन, है ना, तो कितना आ जाएगा आंसर कॉस एक्स प्लस फाइव। तो देखिए गाइस कितना इजी है, हम लोग एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, ताकि आप लोगों का एक लंबा क्वेश्चन लूँ जिससे आप लोगों को सारा प्रॉब्लम जो क्रिएशन है वो दूर हो जाए, देखते हैं, देखिएगा जवाब दीजिएगा आप ही लोग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग
साइन टेन वही वाला लेता हूँ ताकि आप लोगों का मन से डर खत्म हो जाए। ये टेन ए टू डी पावर एक्स ले लेते हैं। चलिए इसी को देखिए, सबसे पहले चेन में वो तो आप लोग इजीली कर सकते हो। देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग साइन टेन ए टू डी पावर एक्स, अभी फंक्शन कौन है लॉग, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होता है डोमेन के रिस्पेक्ट में, तो अभी फंक्शन लॉग है ना, तो पूरा बचा हुआ वो सब कौन है डोमेन है, तो नीचे डोमेन को लिखेंगे ना, दिख रहा है। अब इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई, क्यों बैलेंस करने के लिए, साइन टेन ए टू द पावर एक्स। देखिए अब फंक्शन कौन है साइन, डोमेन कौन है टेन ए टू द पावर एक्स, तो टेन ए टू द पावर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा ना। अब देखिए इतना से डिवाइड किया था ना आपने से, तो इतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखिए अभी फंक्शन कौन है टेन, डोमेन कौन है ए टू द पावर एक्स, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा ए टू द पावर एक्स, फिर डिवाइड किया हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फंक्शन एक्सपोनेंट बन चुका है तो डोमेन कौन है एक्स, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ना। अब देखिए अब डिफ्रेंसिएशन करना बहुत ईजी है, लॉग एक्स पूरे को एक्स क्रिएट कर लीजिए, है ना, सिर्फ फंक्शन पे ध्यान दीजिए। अब लॉग एक्स का क्या होता है वन बाई एक्स, क्या एक्स लिख दूं क्या, नहीं एक्स का काम कौन करेगा नीचे वाला, तो नीचे कौन है साइन टेन ई टू द पावर एक्स, है ना, इंटू साइन। अब इसमें फंक्शन कौन है साइन, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है साइन एक्स का, पूरे को एक्स मान लीजिए कॉस एक्स, लेकिन क्या एक्स लिख दूं क्या, नहीं नीचे कौन है टेन ई टू द पावर एक्स, फिर देखिए इंटू नीचे लिख रहा हूँ उधर जगह नहीं है, है ना, या फिर लिख देते हैं टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, क्या एक्स लिख दूं क्या, नहीं नीचे कौन है ई टू द पावर एक्स, तो sec स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। अब बताइए ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई टू द पावर एक्स, तो देखिए कितना ईजी है ना। तो ये आप लोग गाइज कर सकते हो, बहुत ही ईजी है ना, कोई पहाड़ है नहीं इसमें। चेन रूल में सबसे मेन प्रॉब्लम यही होता है कि चेन में हम लोग कैसे दिखाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि मन से हम लोग इसको डर को कैसे ख़त्म करें, तो चलिए आप लोगों का ये मन से जो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। गाइस अब मैं आप लोगों का मन से जो डर है उसको ख़त्म करता हूँ। आखिर इसको मुँह जबानी कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन हाँ मुँह जबानी सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो डंडे पड़ेंगे बाबूजी से और एग्ज़ाम में जीरो, बोलेंगे रट क्या है किसी से छाप लिया है ना, मैं सिखा रहा हूँ बस। देखिए तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे ना, यहाँ पर कोई पेन कॉपी का यूज़ नहीं करूँगा। देखिए लॉग एक्स पूरे को क्या मानना है एक्स, तो लॉग एक्स का क्या होता है वन बाई एक्स, लेकिन एक्स का काम कौन करेगा उसका आगे वाला ना। देखिए हम लोग अगर चेन रूल में नहीं तोड़ रहे हैं तो नीचे वाला नहीं लेंगे तो बात वही होता है। देखिए लॉग एक्स एक्स का काम कौन कर रही है ना, तो लॉग एक्स का कितना हो जाएगा वन बाई एक्स, तो एक्स का काम कौन करेगा वन बाई साइन टेन ई टू द पावर एक्स। फिर अगला में जैसे जाएंगे तो साइन फंक्शन बन जाएगा, तो फिर पूरे को एक्स मान लीजिए, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स का काम कौन करेगा टेन ई टू द पावर एक्स। फिर अगला टेन एक्स, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, फिर ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है ना। इतने से हम लोग इधर से मूव करना शुरू करते जाते हैं। अभी हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट इसका भी फंक्शन होता है और डोमेन होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे चेन रूल से रिलेटेड, और ऐसा नहीं है कि चेन रूल में सिर्फ चेन रूल ही आएगा, है ना, चेन रूल में क्या आने वाला है प्रोडक्ट रूल भी घुस जाएगा और क्वेश्चन रूल भी घुस जाएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेन रूल। तो अगला लेक्चर को ऐसा नहीं है कि आप लोग समझ गए हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हर लेक्चर को अटेंड कीजिए। और देखिए अगला लेक्चर में फुल्ली हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चेन रूल से, जिसमें कि क्वेश्चन रूल भी इंटर कर जाएगा और प्रोडक्ट रूल भी इंटर कर जाएगा, और डिफरेंशिएशन का बहुत सारा फॉर्मूला और रूल भी आप लोगों को अच्छे खासे समझ में आ जाएंगे अगर नेक्स्ट लेक्चर जो है आप लोग देखेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, है ना, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए फार्मूला का, बार बार बोल रहा हूँ कि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, है ना। इस एक चीज़ और बता देता हूँ, चेन रूल में जो होता है ना चेन रूल जिसमें प्रोडक्ट रूल घुसेगा और क्वेश्चन रूल भी इंटर कर जाएगा, और सबसे मेन बात तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला आप लोगों का ये अगर पकड़ है तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और चेन रूल और प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल का जो फार्मूला है वो याद रख लीजिएगा, और डिफरेंशिएशन का जितना फार्मूला है वो आप लोग याद करिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।